أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءت كُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظلل مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بقيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ترجمة, <ترجمة> جي <ترجمة>, 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 ترجمة ألو गोविंद भाई शायद मुबिन भाई शायद मुबिन भाई नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ आप कंटिन्यू करिए अगर तुम तुम्हारे पास वाज दलीलें आ जाने के बाद भी इससे फिसल जाते हो तो जान लो कि अल्लाह गालिब है हमत वाला है क्या वो लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास अल्लाह बदलियों में सायों में आ जाए और फरिश्ते आ जाए और फैसला कर दिया जाए और अल्लाह की जानब मामलात लौटाए जाने वाले हैं बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी ही निशानियां कितनी वाज निशानियां अता की हैं और जो कोई भी अल्लाह की नेमत को तब्दील कर दे चेंज कर दे बाद इसके कि वो नेमत उस तक पहुंची तो बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है सख्त बदला लेने वाला है काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी मुजयन कर दी गई है वो लोग ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं और जो लोग मुतकी है परहेजगार हैं वो क्यामत के दिन उनसे आला होंगे और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता करता है लोग एक ही उम्मत पर थे अल्लाह ताला ने तबियों को भेजा बशारत देने वाला और डराने वाला बना कर और उनके साथ अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की बरहक ताकि उसके ज़रिए लोगों के दरमियान उन मामलात में फ़ैसला करें जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं और इख्तलाफ किया उन लोगों ने जिन्हें ये दिया गया बाद इसके कि उनके पास वाज निशानियाँ आ गईं इख्तलाफ उन्होंने सरकशी के तौर पर किया अल्लाह ताला ने ईमान वालों को की रहनुमाई की उसमें जिसमें वो इख्तलाफ करते थे अल्लाह की इजाज़त से अल्लाह ताला ने उन लोगों की रहनुमाई की हक की रहनुमाई की और अल्लाह ताला जिसे चाहता है सरात मुस्तकीम की रहनुमाई करता है हिदायत देता है क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तक तुम्हारे पास वो नहीं।, नहीं आया जो तुमसे पहले के लोगों के पास आ चुका है उन्हें तकलीफ और परेशानियों ने पकड़ा था और वो झिझोड़ दिए गए थे यहां तक उनके रसूल ने कहा कि और उन लोगों ने उनके रसूल ने और उन लोगों ने कहा जो ईमान वाले हैं मता रसोल्लाह की अल्लाह की मदद कब आएगी तो सुनो यकीनन अल्लाह की मदद करीब है वो लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें तो कह दीजिए कि तुम खर्च करो जो भी खर्च करो वो बेहतर है उसे खर्च करो वालदेन के लिए यानी माँ बाप के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए यतीमों के लिए मस्किनों के लिए और मुसाफिरों के लिए और जो जो कुछ भी तुम खैर और भलाई का काम करोगे फ़ैन अल्लाह भी अलीम तो यकीन अल्लाह तिल वाला है जानने वाला है और अल्लाह ताला उसे जानता है आज की आयतें जो सात आयतें पढ़नी हैं ये बड़ी बड़ी आयतें हैं और इसमें जो बातें हैं वो बहुत ही प्यारी और अहम तरीन बातें हैं अल्लाह रक्मीन ने पहली आयत में फरमाया कि तुम्हारे पास निशानियां आ जाने के बाद दलीलें आ जाने के बाद अगर तुम इससे फिर जाते हो तो ये जान लो कि अल्लाह ताला गालिब है एकमत वाला है यहूदियों को अल्लाहमीन ने अता की, नबी होने की निशानियाँ उन्होंने अपने नबी के सामने देखा और उसके बावजूद भी हक का इनकार कर गए तो वो अल्लाह के नज़दीक मकजूब हो गए यानी उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ ये ये अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला पहले गुमराहों को सीधा रास्ता बताता है फिर अगर उसके बावजूद वो सीधे राह से भटकते हैं तो अल्लाह ताला नबियों के जरिए उनको समझाता है उन्हें सीधे राह पर आ जाने की फजीलत और बशारत बताता है और उसके बावजूद भी अगर वो गलत राह पर जाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला गलत राह पर जाने के नुकसान बताता है डराता है उसकी वाइद और सज़ा बताता है फिर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें धमकी देता है अल्लाह ताला कहता है कि अगर दलीलें आ गई सबूत आ गए और आ, सारी निशानियां बता दी गई हक तुम्हारे सामने वाज हो गया उसके बावजूद भी तुम हक की राह छोड़ कर गुमराही की राह पे जाते हो या गुमराह हो जाते हो अल्लाह की बात नहीं मानते हो तो अब ये याद रखो कि अल्लाह ताला गालिब है और अल्लाह ताला हमत वाला है यानी अल्लाह गालिब है अल्लाह के कंट्रोल से तुम बाहर नहीं हो अपनी मनमानी कर रहे हो अपनी हटदर्मी दिखा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अल्लाह गालिब हर शय पर अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है अल्लाह तला ने किया भी है वक्त के बड़े बड़े हुक्मर वक्त के बड़े बड़े हाँ शुरुआ सबको अल्लाह ताला ने जब चाहा तो बर्बाद कर दिया तो ये अल्लाह का एक उसलूब है समझाने का कि हमने तुम्हें समझाने के तौर पर सारी चीजें दे दी तुमने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया फिर भी हक नहीं मानते हो फिर भी हक को तस्लीम नहीं करते हो तो अब ये याद रखो कि अल्लाह गालिब है अल्लाह गालिब है अल्लाह चाहे तो सजा दे दे अल्लाह चाहे तो बर्बाद कर दे लेकिन चूंकि अल्लाह हकीम भी है वाला भी है इसलिए अल्लाह ताला किसी एकमत के पेश नजर अल्लाह किसी एकमत की वजह से तुम्हें फौरी तौर पर किसी अजाब में गिरफ्तार नहीं करता बल्कि अल्लाह मुहलत देता मौका देता है लेकिन ये ना समझना कि अल्लाह अल्लाह ताला सजा नहीं दे रहा है तो अल्लाह ताला सजा दे नहीं सकता जैसे हम लोग अपनी आम भाषा में आम बोल में कहते हैं कि किसी के सब्र को उसकी कमजोरी ना समझा जाए किसी के सब्र को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए वो आदमी चाहे तो सजा दे सकता है लड़ झगड़ सकता है लेकिन सब्र करता है किसी खास मसलहत की वजह से बैर के अल्लाह ने फरमाया कि ये जान रखो कि अगर हक पहुंचने के बाद दलील वाजे हो जाने के बाद भी तुम उससे फिसल जाते हो तो अल्लाह तला गिब है और हमत वाला है अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया क्या ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह इनके पास खुद आ जाए अल्लाह ताला खुद इनके पास आ जाए तब ये ईमान लाएंगे तब ये मुसलमान बनेंगे तब ये इस्लाम को कबूल करेंगे तो जब अल्लाह ताला खुद इनके पास आ जाएगा फरिश्तों के साथ में आ जाएगा अपनी आंखों से ये देख लेंगे उस वक्त इस्लाम कबूल करने का कोई फायदा नहीं देखिए ईमान क्या है ईमान का मतलब भरोसा ईमान का मतलब यकीन ईमान का मतलब बिलीव हमने अल्लाह सुबहान को देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी कुरत की निशानियां देखकर उस पर ईमान रखते हैं उसकी कुदरत की निशानियां देख करके हम देखते हैं बारिश नाजिल होती है कोई तो है जो बारिश नाजिल करता है हम देखते हैं सूरज डेली पाबंदी से निकलता है कोई तो है जिसका इस पर हुक्म चलता है हम देखते हैं जमीन बिल्कुल सूखी रहती है फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें बारिश होती है और किसान उसमें उसमें बीज डालता है फिर वो एक पौधा बनता है पौधे से पौधे से फिर पूरा दरख्त बनता है एक एक तना बनता है फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के फल और अनाज पैदा होते कौन करता है अल्लाह सुबह कर तो हम ये सब सारी निशानियां देखकर अल्लाह के वजूद पर ईमान रखने वाले हम प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान रखने वाले लोग हैं इसलिए हमें मोमिन कहा जाता है इसलिए हमें मुसलमान कहा जाता है अब अगर कोई ये शर्त रखे कि हम अल्लाह को देख लेंगे तब हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे तो क्या फायदा उसका देखने के बाद ईमान लाने का क्या फायदा देखने के बाद आप इनकार भी कैसे कर सकते देखने ये इनकार करना या ईमान लाना ये तो तब है जब हमने अल्लाह को देखा नहीं तो कुछ लोग ईमान लाते हैं मानते हैं कुछ लोग इनकार करते हैं नहीं मानते हैं अब जो निशानियां देखकर उनका उनका दिल तैयार है वो मानते हैं वो मोमिन कहलाते हैं और जो इनकार कर देते हैं तो कुफर के मतलब ये होता है इनकार कर देना कुफ्र के मतलब छुपा देना इनकार कर देना ना मानना इसलिए काफी है बाकी जब अल्लाह को अपने सामने देख लेंगे तो उसके बाद कौन इनकार कर पाएगा ये कैसे मुमकिन है कि देख करके अपने सामने और फिर उस चीज का इनकार किया जाए तो दीनी भाइयों अल्लाह का हमें इस पर एहसान भी मानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारा हमारा दिल ऐसा बनाया है और अल्लाह ने हमें ये तोफीक दी है कि हम अल्लाह पर ईमान अल्ला रखते हैं और बास बादल मौत मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान रखते हैं जो लोग इस दौलत से अपनी अपनी कचफ फहमी की वजह से या अपनी हर धर्मी की वजह से महरूम है वो बहुत बड़े खसारे में है अल्लाह ने फरमाया कि क्या ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह नाजिल हो जाए बदलियों में बदलियों में मतलब कि बादल के साथ साथ अल्लाह नीचे उतर जाए या फरिश्तों के झुरमुट में अल्लाह तला नीचे आ जाए तब ये देखेंगे तब ये ईमान लाएंगे तो उस वक्त कोई इस्लाम कोई ईमान इनका फायदा नहीं पहुंचाएगा अल्लाह तला त्यामत अल कायम होने के बाद अपने बंतों के सामने आएंगे और ईमान वालों को मोमिन वालों को ये ये खुश नसीबी है उनकी कि वो अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखेंगे अल्लाह का दीदार ये मोमिनों के लिए बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी नेमत कि बंदे अल्लाह को अपने रब को अपने खालिक अपने मालिक अपने राज को अपनी आंखों से देखेंगे और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी ही निशानियां अता की बनी इसराइल से पूछो ईमान लाने के लिए एक निशानी दो निशानी या कुछ निशानियाँ काफी है लेकिन फिर भी बनी इसराइल से पूछो हमने उनको कितनी निशानियां हमने उन्हें अता की थी और उन सारी निशानियों को देखने के बावजूद भी सारी निशानियों को देख लेने के बावजूद भी कुछ लोग थे जो ईमान नहीं लाए जो मुसलमान नहीं हुए जिन्होंने हजरत मसल्लाम पर इस्लाम कबूल नहीं किया तो निशानियां देखने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो हट धर्म होते हैं वो वो ईमान और इस्लाम की दौलत से महरूम रहते हैं। अब सवाल यह है कि बनी इसराइल यानी मूसा अली सलासलाम के जमाने में अल्लाह ताला ने क्या क्या निशानियां उन्हें अता की आप में से कोई बताए कि मूसा अलीसलातम को कौन कौन सी निशानियां अता की गई थी जो ये दलील होती थी कि ये आम आदमी नहीं है ये कोई नबी और रसूल ही है जी कोई बताए सवाल है मेरा शायद साहब सलाइकुम मूसा को मूसा कलीम बोलते हैं क्योंकि चूंकि सलाम अल्लाह से बात क्या करते थे तो कोहे कोहे तुर पे जाकर कोह मींस पहाड़ कोह मीस पहाड़ होता है नाम है तो कोहे तुर पे जाकर के वो अल्लाह से बात किया करते थे ये एक था उनके पास उनके पास असा था असा को जब जब थे तो जब उनका फिरौन के जादूगर से उनका मुकाबला हुआ था तो, जी हाँ तो वो अ, असा भी उनका एक वो निशानियत, निशानी थी। हाँ, ए, एक एक रुके। असा, वो निशानी थी असा असा उस और उसके बाद वो बहुत बड़ा भयंकर किस्म का अजहा बन गया अब जादूगर जो जादू करने वाले थे वो ये समझते थे कि ये जादू के जरिए बनाया हुआ सांप नहीं है बल्कि ये एक अलग मुस्तकिल सांप है ये जादू के बल पर बनाया हुआ सांप नहीं वो सबको समझ में आया था और सारे लोगों ने इसको महसूस भी किया उसके बावजूद भी वो इस्लाम और ईमान से महरूम रहे अल्लाह ताला ने इसी बात का जिक्र किया कि हमने कितनी निशानियां दी तो एक आपने कहा कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से बात करते थे दूसरा आपने बताया कि आसा और लाठी दी गई थी और इसके अलावा भी था कि जब मूसा अलैहि सलाम जो फिरौन था तो जब वो वो पीछा करा था तो जब दजला के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मतलब जो पानी पे लाठी मारा तो उसका रास्ता निकल गया और वो 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 उनके जो साथी थे निकल गए तो ये देख करके फिर समझा कि मैं भी निकल जाऊंगा लेकिन जब जैसे वो आगे बढ़े मुसाली सलाम और फिर आया तो उसकी जो पूरी फौज थी वो डूब के खत्म हो गए वहीं पे जी तो ये भी एक निशानी थी कहीं कोई एक नॉर्मल आदमी पानी पे लाठी मारे और फिर रास्ता बन जाए ऐसा होता नहीं है आम आदमी ऐसा करना चाहे तो ये नामुमकिन बात है क्या हो गया ये स्टॉप हो गया नहीं आ रहा है आपका आ रहा है बीच में कुछ ये जो ये हो गया है, लेकिन आपका आ रहा है वीडियो आ, आ रही है जी आपकी आवाज आ, आ, आ रही है वीडियो आ भी आ दिख आ आ रही है वीडियो भी आ रही है ओके तो मूसा अली सलातो व सलाम ने जो लाठी मारी ये नॉर्मल बात नहीं थी कोई भी इंसान जो वहाँ मौजूद था जिसने देखा सबने खैर जो उनके साथ जो लोग थे वो तो वो तो बन इसराइल थे जो ईमान ला चुके थे लेकिन पीछे से जो लोग आए उन्हें देखना चाहिए था ना कि इस दरिया के अंदर रास्ता कैसे बन गया ये तो इम्पॉसिबल है और ये आ, आम की, के, आम आदमी आदमी की का काम हो ही नहीं सकता वो देख करके उन्हें ईमान लाना चाहिए बजाय कि फिर पीछा करता उसमें कूदता और मारने की मूसा और मूसा के शादियों को मारने की कोशिश करता वो वक्त था कि वो निशानियां देख करके उन्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए था जी और इसके अलावा निशानियां जी इसके अलावा और कोई निशानी अल्लाह ने फरमाया कि कम आता हम आए तुम बने हमने बनी इसराइल को कितनी ही सारी निशानियां अता की तो अभी तो हम तीन ही तक पहुंचे एक दो तीन चार तक ही हम पहुंच पाए ना तो और कोई निशानी बताए इसमें ये मतलब वो मुझे पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा जैसे फिर को किसी, जैसे फिर को किसी ने बोल दिया था कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो 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 तुम्हें तुम्हारा खात्मा करेगा लेकिन अल्लाह अल्ला ताला ने अपने हुक्म से मतलब जब हैत मूसा सलाम पैदा हुए तो उन्होंने फिर के ही महल में मूसा सलाम को बड़ा किया तो ये भी ये भी एक उनका चुके मतलब फिर के घर में ही खत्म करने वाला सलाह हाँ। के में तो खैर ये बात है, है, है लेकिन इसको बतौर निशानी नहीं कहा नहीं, नहीं गिनवाया है क्योंकि ये इसमें ऐसी चीज निशानी मतलब कोई ऐसी चीज जिसे अपने आंखों से आदमी देख करके हैरत में पड़ जाए समझे कि ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है ये आय बनास मुराद ये निशानियां जैसे मन्नो सलवा का नाजिल होना एक अगली निशानी क्या मन्नो सलवा का नाजिल होना अब एक एक कौम है पूरी और उसने अपने जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ उनको खाने पीने के लिए मशक्कत इतनी मशक्क़त इतनी परेशानी उठानी पड़ती थी और बाद में उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आया कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं अपने हाथ से जाके परिंदे पकड़ लो जबा कर लो उन्हें उनका सालन बना के उनका फ्राई बना के जैसा चाहो वैसा खाओ तो ये अल्लाह की अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी निशानी थी अब इस कौम वालों के आस पास से जो गुजरे उन्हें फौरन ही मान लाना चाहिए फौरन इस्लाम कबूल करना चाहिए कि वाकई अल्लाह की तरफ से नहीं तो और किसकी तरफ से ऐसे एक निशानी थी कि जहां कहीं भी चलते थे तो इनके ऊपर बदली हो जाया करती थी बदली का साया इनके साथ साथ चलता था तो वो दूसरे लोगों के लिए एक निशानी थी कि उसे देखें और इस्लाम कबूल करें ऐसे ही सलवा ये दो दो अलग नेमतें हैं फिर बदली का हो जाना है अलग नयतें फिर मूसा सलासलाम का पल, पत्थर पर लाठी मारना और उसमें से बारह चश्मे फूट निकले जिसमें से पानी सबको फरावानी के साथ मिलने लगा ये भी एक निशानी है तो अल्लाह ने समझाना यहाँ ये अल्लाह तला ने यहाँ ये यह समझाया है ये ये तो आयत है बनी इसराइल से रिलेटेड बनी इसराइल से मुतालिक बातें बताई जा रही हैं लेकिन इसके मुखातब मक्का वाले हैं मक्का वाले मक्का वाले जो ये सारे ये सारी बातें सुनते थे और इनके बारे में वो बरस से सुनते आते थे कि ये सारी चीजें उनके सामने बिल्कुल वाजे हो गई थी ये सारी निशानियां उन्हें अता की गई थी फिर भी लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया यानी एक बड़ी तादाद ने तो इस्लाम कबूल किया था लेकिन ऐसे लोग भी थे तो जो इस्लाम कबूल करने से महरूम रह गए तो निशानियों को बतौर शर्त रखना एक शर्त के तौर पर कि हम निशानी देखें तब मानेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक आदमी निशानी देखकर मान ही ले जैसा कि इससे पहले बहुत सारी निशानी हमने अता की लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस्लाम कबूल करने से महरूम रह गए और उन्होंने नहीं देखा आगे अल्लाह ने फरमायान शदीद की जो अल्लाह की नामत को तब्दील कर दे अल्लाह की नामत को चेंज कर दे बाद इसके कि उनके पास अल्लाह की नमत आ गई फन अल्लाह शदीदल तो यकीन अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है एक मिनट जी वालेकुम अल्लाह तला ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह सख्त सजा देने वाला है यानी जो अल्लाह की नेमत की नाकदरी करता है और यहाँ इस नेमत से मुराद यही है कि जो वाज निशानियाँ अल्लाह अता की हैं और वाज निशानियाँ इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उसके बावजूद भी वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो अल्लाह ने वही फरमाया कि जो ये न, ये नेमतें देख करके भी इसका इनकार कर दे शदीदुल इक़ाब तो बेशक अल्लाह तक सख्त सजा देने वाला है उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में फरमाया कि इनके लिए दुनिया की जिंदगी ये मुजयन कर दी गई है, है इसी में ये खुश रहते हैं और लोग, जो का, काफिर लोग हैं ये ईमान वालों का मोमिन जो लोग हैं इनका ये मजाक उड़ाते हैं, अब ये कौन लोग थे इससे मुराद किन लोगों को मुफसरिन ने लिया है कि काफिरों में जो मालदार लोग थे मालदार लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा ये गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे उनका इस्तेजा करते थे तो अल्लाह ने फरमाया कि इसमें दिल पर लेने वाली कोई बात है ही नहीं आदमी को आ, आ, दुखी हो जाना और फिर गम में जाने की जरूरत नहीं है क्यों अल्लाह ने आगे उसकी वजह बताई अल्लाह ने फरमाया जुयदीना कफ़र उल हयात दुनिया कि असल में दुनिया की जिंदगी ये काफिरों ही के लिए है ये जब उसूल आदमी के जहन में रहेगा कि दुनिया की जिंदगी रियल में हकीकत में किसके लिए है काफिर के लिए मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी असल नहीं होती तो अब उसे कम मिला है तो इसमें कोई गम नहीं होना चाहिए उसे कम अगर मिला है तो इसमें कोई गम नहीं होना चाहिए क्योंकि रियल में मुसलमानों के लिए आखिरत है मुसलमानों के लिए जन्नत है हमेशा हमेश की नियमतें वहां है काफिरों के लिए दुनिया ही सब कुछ है अल्लाह ने फरमाया वहां पर आखिरत में वल्लिन तकयाम क्यामत दे दे के दिन ये लोग ये जो गरीब मुसलमान हैं ये ऊपर रहेंगे ऊपर रहेंगे मतलब वहां काफिर जरील रहेंगे काफिर ये ये खसारे में नुकसान में रहेंगे और मोमिनों को हर तरह की नमतें मिलेंगी तो एक दिन आएगा अगर दुनिया में आज ये मजाक उड़ा रहे तो इन्हें मजाक उड़ाने दो इन्हें मजाक उड़ाने दो उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं एक दिन तो भी नहीं। वो भी आएगा जब मोमिन वहां उनसे बुलंद रहेंगे अल्लाह जिसे चाहता है एक खौफ करने क्या जरूरत है होता है बेहिसाब रोजी अता करता है वल्ला जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी करता है तो इसमें तसली के लिए दो बातें कही गई तसली के लिए दो बातें कहेंगे पहली तसली ये है कि दुनिया में अगर नहीं मिला मोमिनों को मोमिन अगर गरीब है और दूसरों के मुकाबले में माली तौर पर अगर कमजोर भी है तो ये तसली रखें कि उनके लिए तो दुनिया असल है ही नहीं उनके लिए असल आखिरत है अल्लाह ने उन्हें दूसरों से यह कमजोर अगर रखा है तो ये तसली की बात है उसके लिए आकड़त असल है दूसरी बात यह कि इसका ये भी मतलब नहीं कि अल्लाह ताला दुनिया में दे नहीं सकता नहीं अल्लाह तब चाहे ऐसा चाहता है किसका ऑडियो चालू है वहाँ पानी कहाँ जाए इतना बड़ा वो क्लब के सामने नहीं बना इतना बड़ा नवीन भाई यहां पे वोटर आईडी है चल मेरे साथ अस, असलम भाई का ऑडियो चालू है प्लीज बंद कर दे असलम भाई थैंक यू असलम भाई प्लीज ऑडियो बंद कर दें आप म्यूट कर दें जी आप सेक साहब स्टार्ट हो जी अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कान नस वाहिदा कि ये तमाम लोग जो थे ये एक ही उम्मत थे यानी मूसा अली मूसाते आदम अली सलात को अल्लाह तला ने पैदा किया और आदम आदमी सलात के बाद नूह अलैहि सलात एक लंबा पीरियड गुजरा है सारे लोग अल्लाह ही की इबादत करने वाले थे आदम अली सलातम की बातों को मानकर जिंदगी गुजारने वाले थे सारे लोग कोई इख्तलाफ नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और किसी किस्म का कोई शिरक नहीं खास तौर पर शिरक बिल्कुल नहीं पाया गया लेकिन उसके बाद बहुत दिनों के बाद उस उस कौम के अंदर या उन लोगों के अंदर शिरक का वजूद हुआ और फिर लोगों ने शिरक करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उसके बाद से मोहम्मद तक बहुत सारे नबी और रसूल भेजे खास तौर पर इस काम के लिए कि वो लोगों को अल्लाह अल्लाह ही की तरफ बुलाए अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाए और शिरक से लोगों को बाहर निकाले शिर का मतलब ये कि जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना है जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना है वो काम किसी और के लिए किया जाए या किसी और के लिए भी किया जाए दो चीजें जैसे हमें दुआ मांगना है दुआ एक इबादत हो दुआ तो दुआ हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह से अल्लाह के अलावा हम किसी को ये नहीं समझ कि ये भी हमारी सुनकर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं नहीं ये हम सब का है। हम सब ये मानते हैं कि अल्लाह ही से मांगना है अब अगर अल्लाह से मांगने के साथ साथ कोई किसी और से भी मांगने लगे जैसे कि दूसरे धर्म में पाया जाता है कि न जाने कितने उनके भगवान होते न जाने कितने उनके अः उनके देवी देवता होते जिनके सामने वो जाते हैं और फरियाद करते हैं उनसे मांगते हैं किसी से ताकत मांगा जाता है किसी से माल मांगा जाता है किसी से औलाद मांगी जाती है किसी से बारिश मांगा जाता है तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग उनके यहाँ देवी देवता है और उनसे मांगते हैं तो ये अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद ये है सबसे ज्यादा नापसंद इस पूरी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह ताला पूरी कायनात को चलाने वाला अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें दूर करने वाला अल्लाह ताला तो जब मांगा जाए तो सिर्फ किससे मांगा जाए अल्लाह से मांगा जाए दूसरी चीज अल्लाह की इबादत अल्लाह की इबादत की जितनी शक्लें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए यानी बंदा सजदा करे तो सिर्फ अल्लाह का बंदा तिलावत कुरान करे तो अल्लाह को राजी करने के लिए बंदा नमाज पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए बंदा जक़ात दे सदका खैरात करे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इसमें किसी और को खुश करने किसी को दिखाने के लिए किसी के नजर में अपना मकाम बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए वरना ये चीजें भी शिरक में दाखिल हो जाएंगी ऐसे ही एक चीज ये है तोहहीद ये है कि बंदा ये ये यकीन रखे कि पूरी कायनात पूरी कायनात इसमें जितनी चीजें हैं इन सब का पैदा करने वाला अल्लाह तला उसके अलावा कोई और नहीं और इनकी तदबीर करने वाला तदबीर तदबीर मतलब ये चीजें सिर्फ ऐसे नहीं कि पैदा करके अल्लाह ने छोड़ दी इसमें चेंजिंग आती है इसमें तब्दीली आती है इसमें इसमें कभी कोई चीज कंटिन्यू होते रहती है कभी रुक जाती है तो ये सब पर हुक्म अल्लाह ही का चलता है किसी और का नहीं जैसे सूरज सूरज डेली निकलता है अल्लाह के हुक्म से गर्मियों में दिन गर्मियों में दिन छोटा होता है और सर, गर्मियों में दिन लंबा होता है रातें छोटी होती है सर्दियों में दिन छोटा होता है रातें लंबी होती हैं तो ये जो चेंजिंग होती है इस पर किसका कंट्रोल है सिर्फ सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कंट्रोल है बारिश का नाजिल होना ये अल्लाह के हुक्म से है कोई और नहीं कर सकता है ऐसे ही सूरज ग्रहण कभी कभी हो जाता है सूरज ग्रहण यानी सूरज पर एक तरह से वो डार्कनेस आ जाती है या चाँद ग्रहण कभी कभी होता है तो ये किसके हुक्म से होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से तो एक अकीदा ये रखना कि कायनात में जो कुछ होता है जो भी चेंजिंग होती है कुछ उथल पुथल होती है कोई चीज होते हुए रुकती है या कोई चीज़ जो पहले नहीं रहती वो होने लगती है जैसे जलजला आ जाना किसी जगह पर असल ये है कि सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन कहीं जलजिला आ जाता है कहीं सैलाब आ जाता है तो ये सब किसके हुक्म से होता है अल्लाह के हुक्म से होता है जितनी ताकतें हैं जितनी ताकतें हैं और हम देखते हैं कायनात में जिसका जहूर होता है ये सब और सिर्फ किसकी है अल्लाह की है इसमें कुछ अच्छा हो तो भी अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने किया है और इंसान के देखने के एतबार से इंसान के देखने के एतबार से मैं कह रहा हूँ रियल में उसमें भी खैर होता है रियल में हकीकत में उसमें भी खैर होता है लेकिन कुछ चीज़ों से इंसान को नुकसान पहुंचता है तकलीफ पहुँचती है तो बंदा वहां पर आ, किसी और से ना डरे किसी और से ना घबराए जैसे जल्जला आ गया तो ये ना सोचे कि फला भगवान हमारा नाराज हो गया इसलिए जल्जला आ गया कहीं सैलाब आ गए तो ये ना सोचे कि हमारी फला देवती दे, फला देवता या फला हमारी देवी ये नाराज होगी इसलिए ऐसा हो गया नहीं ये ये सब बातिल अकीदा जो भी कायनात में होता है चाहे इंसानों को उसमें भला दिखे या इंसानों की इसमें सजा रहे ये सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में है अल्लाह के हुक्म से होता है तो दीनी भाइयों थोड़े से मैंने तोहैद पर रोशनी इसलिए डाली अल्लाह ने फरमाए कानन वाहिदा कि एक वक्त ऐसा गुजरा है जब सारे के सारे लोग यही अकीदा रखते थे ये अकीदा रखते थे जो कुछ होता है सब अल्लाह के कंट्रोल में है अल्लाह ताला की इजाजत अल्लाह के हुक्म से ही होता है लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोगों ने अलग अलग अकीदे बना लिए अलग अलग आ, कामों का अलग अलग देवता बना लिया और अलग अलग भगवान बना लिए ये का, काफिरों के यहाँ मुशरकों के यहाँ तो आम बात है कुछ मुसलमान भी इसमें आ, ना समझी की वजह से ला इल्मी की वजह से वो ऐसा समझते हैं कि इसमें फला बुजुर्ग है फला पीर है या फला फला साहब है ये चाहे तो ऐसा हो जाएगा नहीं बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता अल्लाह ताला चाहता है तभी कोई काम होता है इसलिए हमें डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगना चाहिए अल्लाह से ये नबियों की सुन्नत है नबियों का तरीका है कि उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अल्लाह सुबान से मांगा और अल्लाह ने उन्हें दिया औलाद की जरूरत पड़ी तो अल्लाह तला ने औलाद की जरूरत पड़ी तो जकर ने अल्लाह से दुआ किया औलाद नसीब फरमा को औलाद की जरूरत थी औलाद नहीं हो रही थी औलाद नसीब फरमा हजरत हजरत प्यारे नबी मोहम्मद सल्लम जब भी किसी मौके पर कोई परेशानी होती कोई दिक्कत कोई तकलीफ होती तो अल्लाह के नबीम नमाज के लिए खड़े हो जाते और नमाज पढ़ते अल्लाह तला से दुआ करते जो भी परेशानी रहती अल्लाह से डायरेक्ट मांगते अल्लाह से दुआ, दुआ करते ताला वो जरूरत पूरी करता सलाम मछली के पेट में चले गए एक परेशानी में पड़ गए एक दिक्कत में पड़ गए अपनी जान पर बन आई तो अल्लाह तला से मांगा अलामी में ही अपने ऊपर जुल्म कर बैठा तो मुझे इससे निजात अदा कर दे हजरत अयब बीमार हो गए और कई सालों तक बीमार रहे उन्होंने अल्लाह तला से दुआ की अल्लाह ने फरमाया इतना, व, व, इतना अन्नी मेरे रब मुझे तकलीफ ने पकड़ रखा है और तू बेहतरीन रहम करने वाला है सबसे ज्यादा रहम करने यानी तू मुझ पर रहम कर और मुझे इस बीमारी से निजात अदा कर तो दीनी भाइयों नबियों ने हमें क्या सिखाया नबियों ने हमें क्या सिखाया कि हर मुश्किल आसान करने वाला अल्लाह ते हर मुश्किल आसान करने वाला कौन है अल्लाह ताला है हजरत यूनुस अली नबी भी नहीं दे सकते नबी भी उस चीज़ को अता नहीं करते अब देखो हजरत नू अतम का बेटा उनका सगा बेटा उनकी अपनी औलाद नू अतलाम की वो ईमान से महरूम रहा तो उनकी आंखों के सामने डूब गया उनकी आंखों के सामने डूब गया कुरान मजीद में अल्लाह त आगे जिक्र किया है फकान मीन मुखरकिन वो गर्व होने वालों में से हो गया हजरत ने अपनी आंखों से देखा उसको डूबते हुए नहीं कुछ कर पाए नहीं अल्लाह 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 की में, की हुकूमत में में हुकूमत किसी का कोई साझा नहीं कोई पार्टनरशिप नहीं मुकम्मल अल्लाह का है इसीलिए तो हम अल्लाह ताला अल्लाह ताला की कुदरत अल्लाह ताला की ताकत अल्लाह तौहिद की, की बात करते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह का उसमें कोई साझेदारी नहीं हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह से तलब कर सकते उसकी कुत उसकी, उसकी ताकत का हवाला दे करके लेकिन हक और ताकत नहीं रखते हमारे हम अल्लाह पे दबाव नहीं बना सकते हम अल्लाह पर प्रेशर नहीं बना सकते हम अल्लाह ताला पर किसी तरह से अल्लाह ताला को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते नउज अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है अल्लाह ने फरमा सुबहाना अल्लाह की जात जेआब है अल्लाह के अंदर कोई आब नहीं प्रेशर में आ जाना एक कमजोरी है ये कमजोरी है कि प्रेशर में आके आदमी कोई काम करे हम प्रेशर में आते हैं हम इंसान में अल्लाह ताला तलामत वाला अल्लाह से बंदा मांगता है अल्लाह की हमत का तकाजा होता तो अल्लाह देता है और नहीं रहता तो अल्लाह ताला नहीं देता अल्लाह नहीं देता अल्लाह की अगर वो चीज़ नहीं है तो अल्लाह ताला ताला उस चीज को अता भी नहीं करता तुला का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया लेकिन अल्लाह उसे हिदायत नहीं दी प्यारे नबी सचा अबू तालिब ने बहुत बहुत मदद की थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की लेकिन चूंकि चचा अबू तालिब के दिल में ईमान और इस्लाम के लिए वाकई तलब नहीं थी वाकई तड़प नहीं थी इसलिए अल्लाह ने उन्हें हिदायत से महरूम रखा उन्हें हिदायत से महरूम रखा उन्होंने जो नेकियां की जो अच्छाइयां की जो भलाइया की अल्लाह ने दुनिया में उसका बदला उन्हें दिया उन्हें खूब इज्जत दी उन्हें खूब इज्जत दी इसलिए आज देखे आज भी हम जहाँ अबू लहब का नाम लेते हैं चचा अबू उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू लहब भी है सगा चा अबू लहब भी और सगे चचा अबू तालिब लेकिन अबू तालिब का नाम लेते हुए थोड़ा सा दिल में एक एक थोड़ा सा एहतराम और एक एहतराबेक्ट इसलिए रहती कि उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हेल्प की बड़ी मदद की थी लेकिन अबू लहब ने सताया परेशान किया इसलिए उसके लिए हमारे दिल में कोई एहतराम नहीं कोई इज्जत नहीं कोई वो नहीं बल्कि हम उसका जिक्र वैसे ही करते हैं जैसे कुरान ने जिक्र किया तबत यदा अब लहबी मतब कि अबू लहब बर्बाद हो जाए हलाक हो जाए तो दीनी भाइयों ये बड़ी अहम बात है कि आज पूरी दुनिया पूरी दुनिया में हम सर्वे देख लें बहुत थोड़े से लोग हैं जो अल्लाह की वहदानियत का सही मतलब समझते हैं अल्लाह की तोहद का वाकई हकीकी मतलब समझते हैं कि सारी चीजें जो अल्लाह के लिए हैं उन्हें अल्लाह के लिए खास किया जाए उन्हें ये अल्लाह का हक है ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह के शान के लायक जो चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो उसमें किसी को शरीक ना किया जाए हर तरह की हर तरह की हर तरह की ताकत क़वत पावर और कंट्रोल ये सिर्फ अल्लाह को हासिल है इसमें इस, इस अल्लाह का कोई साझी नहीं इसमें अल्लाह को कोई पार्टनर नहीं लिहाजा इन चीजों को अल्लाह के लिए खास किया जाए न किसी बुजुर्ग के लिए न किसी वली के लिए न किसी नबी के लिए ये ये ऐसा अकीदा रखना कि इन्हें भी कुछ पावर और ताकत मिला है ये शिरक में दाखिल हो जाएगा हाँ एक चीज इसकी वजाहत में कर दू वो जरूरी है वजाहत ये कि अल्लाह तक बंदो नबी हो रसूल हो वली हो और साल हो अल्लाह त बड़ी कदर करता है इनकी बड़ी कदर करता है अल्लाह ताला इनकी इतनी कदर करता है कि ये ये लोग ये जो लोग होते हैं अल्लाह ताला अल्लाह ताला इनकी इबादत और इनकी इनकी अल्लाह वाली जो ये काम करते रहते हैं अल्लाह इनकी कदर करता है लिहाजा इन्हें ये अल्लाह ताला से मांगते हुए जब ये आजिजी करते हैं अल्लाह से रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह तला इनकी दुआएं कबूल भी करता है लेकिन अल्लाह चाहे तो रद्द भी कर देता है अल्लाह चाहे तो रद्द भी करता है किसी की वजह से कोई अल्लाह अल्लाह का अल्लाह की का तकाजा कुछ और रहता है तो अल्लाह उसे कबूल तो नहीं करता लेकिन वी वी है लेकिन अल्लाह कबूल भी करता है इसलिए हमें नेक बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें मुतकी और परहेजगार बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें अल्लाह की इबादत की कसरत से करनी चाहिए ताकि जब अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह तला हमारी दुआएं कबूल कर ले अल्लाह हमारी बात सुन ले इस बात की अल्लाह के नबी सला ने हमें तालीम दी लेकिन नेक लोगों को पावरफुल समझ लेना यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि नेक लोग पावरफुल हो गए इनके इख्तियार में आ गया इनके कंट्रोल में आ गया कि अब ये जो चाहे जिस चाहे औलाद जिसे चाहे मालदार बना दे और जिसे चाहे उसकी मुश्किल दूर कर दे, ये मुश्किल कुशा बन गए या दस्तगीर बन गए या हाजत रवा बन गए ऐसा नहीं समझना चाहिए नहीं ये ये गलत फहमी ये थोड़ा सा फर्क है जिसकी वजह से उम्मत जो है दो गिरोह में बट गई है कुछ लोग अल्लाह के हक को बंदों का हक समझने लगते ये गलत फहमी ये, ये इस गलत फहमी में मुबतला है बैर के बाद काफी लंबी हो गई लेकिन उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी अल्लाह ताला ताला से दुआ अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ फरमाए अल्लाह ने फरमाया फबाएत कि अल्लाह ने नबियों को भेजा मुबशिरिन बशारत सुनाने वाला और डराने वाला बना करके और उनके साथ अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की बरहक किताब नाजिल की ताकि उसके जरिए से लोगों में फैसला करें उन मामला में जिसमें वो इख्तिला करते हैं फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि इख्लाफ जो कोई सरकशी की वजह से करता है यानी दलील आ गई सबूत आ गया और वाज निशानियां आ गई उसके बाद भी वो सरकशी करते हैं और जुल्म करते हैं तो यही लोग हकीकत में गुमराह लोग हैं उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों को हिदायत देता है और अल्लाह तिसे चाहता है ईमान की और सलात मस्तकीम की हिदायत देता है ये बड़ी प्यारी आयत है वल्लास्तकी अल्लाह जिसे चाहता है सरात मुस्तकीम की हिदायत देता है लिहाजा हमें अल्लाह से मांगना चाहिए अल्लाह से मांगना चाहिए ये चीज़ सिर्फ अल्लाह के पास है कि अल्लाह ही जिसे चाहेगा उसे सरात मुस्तकीम मिलेगा सबको नहीं मैं लाख किसी को समझा लूँ आप किसी को लाख समझा लें हम चूंकि हम पर जरूरी है समझाना इसलिए हम समझाते हैं हम पर वाजिब है कि हम लोगों को सीधी राह बताएं इसलिए हम बताते हैं इसलिए हम बताते हैं लेकिन हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उसे हिदायत दे दें यही बात अल्लाह प्यारे नबी को मन यहदी मन कि आप करते उसे आप हिदायत नहीं दे सकते नहीं दे सकते आपका काम समझाना है आप समझा सकते हो बता सकते हो लेकिन हकीकत में तौफीक ये सिर्फ सिर्फ अल्लाह के पास है अल्लाह ही जिसे चाहता है उसे तौफीक देता अल्लाह ने वही बात यहाँ फरमाई वह यह मैशा अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है सरात मुस्तकीम की उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे और तुम पर वो वो चीज़ नहीं आएगी जो तुमसे पहले के लोगों पर आई है इस आयत में ईमान वालों को सब्र की तलकीन की गई है सब्र की तलकीन सब्र करने के लिए कहा गया है क्योंकि इस्लाम शुरू शुरू में जब प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने दावत दी तौहीद की दावत दी और लोगों से कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो उसके अलावा किसी और की इबादत न करो तो मुश्किन मक्का कु मक्का बहुत भड़क गए और बहुत दुश्मनी दिखाने लगे बल्कि दुश्मनी में वो सताने लगे मुसलमानों को परेशान करने लगे तो आ, कुछ मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ये हम कितना बर्दाश्त करेंगे कितना हमें तकलीफ दी जा रही कितनी अजियतें दी जा रही तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले के लोगों को इससे ज्यादा तकलीफें दी गई इससे ज्यादा तकलीफें दी गई बल्कि यहां तक हुआ कि उन्हें आरी से चीर दिया जाता था और लोहे के कंघी से उनकी खाल उधेड़ दी जाती थी और यह सिर्फ सिर्फ इसलिए होता था कि वो कहते थे कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है इस वजह से उनके ऊपर इतनी इतनी तकलीफें डाली जाती थी इतना उन्हें सताया और परेशान किया जाता था तो दीनी भाई बहुत कुर्बानियां दी हैं सहाबिक राम इस्लाम की खातिर कि उन्हें भी सताया जाता परेशान किया जाता अल्लाह तय ताला ताला में ती अल्ला ने फरमाया की मदद, मदद आई भी चंद सालों के बाद मुसलमानों को अल्लाह तलबा अता किया ताकत और पावर अता किया और फिर मक्का फतेह हो गया और तकलीफ दूर हो गई सारे लोग इतमान सुकून से रहने लगे उसके बाद अगली आयत में पूछा कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए उन्होंने पूछा कि हम माल अपना कैसे खर्च करें यानी जो माल हमारे पास में है हम इसे खर्च कैसे करें तो अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे खर्च करना है अल्लाह ने पहले तो फरमाया कि जो भी तुम माल खर्च करोगे जो भी भलाई के काम में तुम खर्च करोगे उन्हें कैसे खर्च करना है माँ बाप पर खर्च करना है आदमी जो भी माल कमाए अपने वालदेन पे खर्च करे अपने माँ बाप पे खर्च करे खराबतदार अपने रिश्तेदारों पे खर्च करे यतीम यतीम का बड़ा ख्याल रखना रखना हम सबको और बार बार इससे रिलेटेड आयतें आते रहती हैं कि यतीमों का बड़ा ख्याल रखना है चूंकि बाप नहीं रहता उसका माली तौर पे परेशान रहता है तो उसका ख्याल रखना इसी मस्किन आदमी मस्किन का ख्याल रखना सिर्फ रमज़ान में नहीं सिर्फ रमजान में ख्याल नहीं रखना है पूरे साल ख्याल रखना है मिस्किन मतलब वो आदमी जो इतना ही कमा पाता हो जो जो थोड़ा सा कमा पाता उस पर खर्च ज्यादा हो मैंने कई मरतब पहले भी समझाया है और आज भी आप लोगों से खास तौर पे एक मरतबा कहूंगा कि इससे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए इससे उकताए नहीं कभी क्या होता है कि आदमी से एक मरतबा कहा गया कि भाई देखिए एक जरूरतमंद आदमी उसको पाँच सौ रुपया हजार रुपया उसको दे दीजिए वो दे देता है फिर दोबारा कहा जाए फिर दे देता है फिर तीसरी मरतबा कहा जाए फिर दे देता है उसके बाद उसको शैतान उकसाने लगता है कि क्या बार बार मरीसा मांगते रहते ये ख्याल जहन में आता है की बार बार ये मोरी साहब क्या मांगते रहते हैं या बार बार ये फला साहब है जो मांगते रहते हैं क्या मांगते रहते हैं तो वो सुखों को सुबहत में डाल देता है गफलत में डाल देता है और उक्ताहट का शिकार करवा देता है उसके बाद आदमी अपने बाल से मोहब्बत करने लगता है और वो राह छोड़ बैठता है ऐसा नहीं होना चाहिए हम अपने घर में राशन हर महीने भरवाते हैं हम अपने घर में गैस सिलेंडर हर महीने भरवाते हैं हम अपने घर का लाइट बिल हर महीने भरते हैं रेंट पर है तो रेंट हर महीने भरते हैं ऐसा ही मस्किन भी तो है मस्किन भी ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती है उसे भी हर महीने गैस सिलेंडर लेना है हर महीने घर का राशन भराना हर महीने बच्चों की फीस भरना है हर महीने सारे काम करने तो वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है उससे हमें उकताना नहीं चाहिए अगर अल्लाह ताला हमें दे रहा है तो एक रकम खास कर देना चाहिए जो हर महीने हमें खर्च करना है और हर महीने बाकायदगी के साथ उसे खर्च करें यह समझ कर कि हमारी जिम्मेदारी है और वाकई जिम्मेदारी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत और खुशखबरी दी प्यारे नबी ने फरमाया कि मिसकिन की किफालत करने वाला मिसकिन की किफालत करने वाला बेवाओं औरतें बेवा, बेवा उसकी किफालत करने वाला, यतीम की किफालत करने वाला उनकी देख रेख करने वाला उनका खर्चा उठाने वाला ये सब जन्नत में जाएंगे जन्नति होने की बशारत है खुशखबरी हमारा मकसद क्या है जिंदगी का कि हम जन्नत में चले जाए और ये सारी चीजें हमें जन्नत में ले जाने वाली है तो इससे उकताना नहीं चाहिए हम एक बजट खास कर लें जो साल भर बल्कि पूरी उम्र हम वो खर्च करते रहे मिस्किनों पर यतीमों पर जरूरतमंदों पर ताकि उसका स्वभाव भी मिलता रहे और चूंकि वो उनका हक है हम पर इसलिए वो हक अदा होता रहे जब जिस समाज में गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ दौलतमंद लोग ये अयाश बनते हैं मेरा जुमला समझे जिस समाज में गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ दौलतमंद लोग अयाश बनते हैं क्योंकि माल तो उनके पास उनकी ज़रूरत से ज्यादा ही है उनकी जरूरत से ज्यादा माल है अब उस माल का वो क्या करेंगे नेकी की राह में नहीं खर्च कर रहे हैं तो बुराई की राह में खर्च करेंगे इसलिए अल्लाह ने जो सिस्टम दिया उसको अपनाए और नेकी की राह में खर्च करते रहे ताकि अयाशी के लिए फिर पैसे ना रहे अयाशी करने के लिए फिर हमारे हमें शैतान ना बहकाए नेकी की राह में खर्च करेंगे तो नेकी का एक फौरी फायदा क्या होता है कि और नेकी करने की तोफीक मिलती है और नेकी करने का जज्बा परवान चढ़ता है तो अल्लाह ने बताया कि माल कैसे खर्च करना क्या फरमाया अल्लाह ने फरमायाल्ला लोग आपसे पूछते हैं कि हम खर्च क्या करें कैसे खर्च करें माल जो हमारे पास उसकी उसकी राह बताइए तो आप उन्हें बताइए क्या कुल आप उनसे कहिए उन्हें बताइए मिन वलयतामा पांच चीजों का यहाँ पे जिक्र है माँ बाप पे खर्च करो अच्छा माँ बाप पे खर्च करना है ऐसे बीवी बच्चों पे खर्च करना है पहले यानी आदमी अपनी फर्ज चीजें जो है जिसपे वाजिब है बीवी बच्चे और माँ बाप इन पे पहले खर्च करें उसके बाद आदमी का हाथ और कुछ आधा है अल्लाह ने और नमाज रखा है रिश्तेदारों पे खर्च करे और ज्यादा कुछ है मिसकीन पर यतीम पर बेवा पर इन पे खर्च करे अल्लाह ने फरमाया कि वालूम मिन खैरिन जो कुछ भी तुम माल खर्च करते हो भलाई के काम करते हो अल्लाह भी अलीम तो ये याद रखो कि अल्लाह जानता है अल्लाह जानता है कभी कभी शैतान इस तरह से भी गुमराह गुमराह करता भटकाता है कि अरे तुम इतना खर्च करते हो कोई तुम्हारा नाम करने वाला नहीं कोई तुम्हारी वाहवाही करने वाला नहीं हमें वाहवाही और नाम के लिए नहीं खर्च करना है हम खर्च कर रहे हैं अल्लाह जानता है अल्लाह जानता है क्या मतलब अल्लाह को पता है कि तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च किया है तो उसका अल्लाह बदला देगा ये यकीन होना चाहिए तो दिन भाई ये आज के आयतों की तफसील कुछ तफसील थी जो अल्लाह की तोफ़ी से पेश कर सका अल्लाह से दुआ दो्ला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की توفيق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور خالص موحد اللہ کا بندہ بنائے آمین تقبل یا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی कोई सवाल नहीं, नहीं तो किसी के सवाल है तो कीजिए वरना क्लास को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह लगता है किसी के सवाल नहीं आप दुआ पढ़ दीजिए इंशाल्लाह सुभानक अल्लहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इला इल्ला इला अंता अस्तगफिरुक व अतौब इलैक व सल्लल्लाहु अलैहि व